जानिए क्या होता है फॉग। मरुक्षेत्र का मेवा फॉग केलिगोनम पॉलिगोनाइडिस लिन। केलिगोनम या फॉग की करीब 60 प्रजातियां झाड़ी या छोटे वृक्षों के रूप में उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया व दक्षिणी यूरोप में पाई जाती है। इनमें से केलिगोनम पॉलिगोनाइडिस, जिसे स्थानीय भाषा में फॉग, फोगाली, फॉग तथा तूर्णी आदि नामों से पुकारा जाता है, यह पॉलिगोनेसी कुल का सदस्य पादप है। फोग सफ़ेद व काले रंग की झाड़ी है जिसमें शाखित शाखाएं होती है। यह अत्यंत शुष्क एवं ओस दोनों परिस्थिति में जीवित रह सकता है। भारत में यह उत्तरी पंजाब व पश्चिमी राजस्थान में अधिक मिलता है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में बागोही पहाड़ियों में, आर्मीनिया व सीरिया में भी यह पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में केलिगोनम पॉलिगोनाइडिस सामान्यतः 80 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर वर्षा वाले तथा 32 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाकों में मिलता है। यह रेतीले इलाकों, टिप्पों व चट्टानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें पुष्पण प्रायः फरवरी के अंत से मार्च के मध्य तक होता है। फल सामान्यतः मार्च के अंत तक या अप्रैल मध्य तक परिपक्व हो जाते हैं। इसके एक पौधे से 1.5 से 4 किलो तक बीज प्राप्त हो सकता है। इन्हें कायिक जनन द्वारा कलमों से भी उगाया जा सकता है। यह धीरे धीरे बढ़ने वाला पादप है। 7-8 वर्षों में एक छोटे वृक्ष की ऊंचाई तक ही पहुंच पाता है। इसकी टहनियों का तथा पत्तियों का फेंसिंग व चारे के रूप में तथा जड़ों का ईंधन के रूप में उपयोग होता है। इसका उपयोग न केवल चारे व ईंधन हेतु होता है, वरन इसमें मृदा बांधने का भी गुण होता है, इसलिए इसे मृदा स्थिरीकरण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। गाँवों में इसके पुष्प व पुष्प कलियों का उपयोग सलाद के रूप में, दही के साथ रायते के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह ऊँटों व अन्य जानवरों हेतु पौष्टिक खाद्य भी है। इसके पुष्पों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का अनुपात 1:5 होता है। इसके पुष्पों का उपयोग आग से जलने पर दवा के रूप में, इसकी पत्तियों का जूस ओक्लेक्टक्स के विष के प्रतिरूपी के रूप में होता है। इसकी जड़ों का सत्व कटेचू के साथ मिलाकर गले की खराश दूर करने में प्रयुक्त होता है। इस पेड़ का सत्व टाइफाइड के निवारण में प्रयुक्त करते हैं। इसके काढ़े को जानवरों के मूत्र समस्याओं के निवारण में किया जाता है। इसकी कलियां दही के साथ लेने से लू के आघात से बचाव होता है। व्हील एवं गरासिया जाति द्वारा इसके काढ़े से कुल्ले करके मसूड़ों की सूजन कम करने में भी उपयोग में लिया जाता है। फोग का जली पेस्ट अफीम के नशे को दूर करने तथा बिच्छू का जहर उतारने के लिए एंटीडोट के रूप में काम में लिया जाता है। फोग के फलों में उच्च पोषण क्षमता वाले पोषक तत्व जैसे 18% प्रोटीन, 71.1% कार्बोहाइड्रेट, 9.1% रेशे, कुछ मात्रा में वसा, 0.7 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन B12, 670 mg कैल्शियम आदि पाया जाता है। गांवों में फोग के बारे में कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है, जैसे सांगर फोग थाली को मेवो अर्थात खेजड़ी की फली व फोग के पुष्प मरुक्षेत्र में शुष्क मेवे के समान है। इसी प्रकार सांगरगनी, केर, तिल, आगगना, कपास, फोगास, फोटिया, बादली, बंधे समय की आस भी है, अर्थात यदि खेजड़ी की फली अच्छी है तो गेहूं की फसल अच्छी होगी। केर अच्छा हो रहा है तो तिल की फसल भी अच्छी होगी। रेड डाटा बुक के संकटग्रस्त पादप की सूची में शामिल है फोग। कोयले व ईंधन के लिए इसकी जड़ों के अत्यधिक दोहन के कारण रेगिस्तान में फोग की मात्रा लगातार घटती जा रही है, इसलिए इसे रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। इसी प्रकार फोग मृदा संरक्षण में शुष्क मेवे के रूप में, स्थानीय दवाई के रूप में तथा ग्रामीणों के सांस्कृतिक महत्व के रूप में अत्यंत उपयोगी है, परंतु लगातार दोहन के कारण इसकी संख्या अब बहुत कम रह गई तथा इसके लुप्त होने के आसार बन गए हैं।